कैसे आप लोग? हाय हाय हेलो, कैसे हो? आज इतने सारे लोग आए ले, कहाँ से शुरू करूँ समझ में ही नहीं आ रहे. आप लोग पेशेंस रखना, सबसे बात करेगी मैं. एक काम करते, टॉस कर लेते कप्पू, क्या बोलता है? ठीक है. अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, 80-90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा. ठीक है, सबसे पहले मैं अक्षय सर से बात करेगी. तो भागा तो इनपे आया ना. हाँ, तो भाग के उधर चला गया ना, उनकी तरफ. वो इधर बैठ के बात कर. हाँ, कैसे अक्षय सर? बस बढ़िया. मेरे को मालूम है, सेम सेम बातों से बहुत इरिटेट हो गए सर. कुछ अलग करते. अक्षय सर दिन को 12 बजे सो के उठते हैं. अक्षय सर 3 साल में एक ही पिक्चर करते हैं. अक्षय सर ज्यादा पैसा भी नहीं कमाते और अक्षय सर ज्यादा टैक्स भी नहीं भरते. क्या बातें कर रही है? 4 बजे उठ जाते हैं, साल में 4 फिल्में करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं वो लोग. अभी सब इसने बोला, अभी इस पे भड़को आप, मेरे पे नहीं भड़कने का. वो पहले बोल चुका है ये सब बातें नहीं बोलने का. मालूम है फिर क्या करते हो? तेरे को मालूम है सब कुछ. खैर, कैसे सोनाक्षी? वेलकम बैक. थैंक यू वेरी मच. अरे बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा आते हैं. हाँ, कैसे आपको वो नाला सुपारा वाला? नाला सुपारा मुकेश मेरा छावा, एकदम मस्त है. अच्छा है ना? ठीक है. अरे उसको मेरा हेलो बोलना वापस. मालूम है आप इतनी बार आते, इसकी नौकरी बहुत खतरे में. मालूम है क्यों? अभी बाहर लोग सब डिस्कस कर रहे थे. क्या बोला? ऐसा लगता है सोनाक्षी सिन्हा के शो पे तू और हमें आके परफॉर्म करते. बहुत टेंशन है इधर. मालूम है इतने हमारे एपिसोड नहीं आते जितनी इनकी फिल्में आती है. हाँ, तो लेकिन बात है ना. अच्छी बात तो है. हाँ. बहुत दुआ है मेरी, हमेशा आपकी पिक्चर आती रहे, आप हमेशा आते रहे. बहुत मेरे को आपके पार्लर के ऊपर एक कमरा ले लेना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल, आइए ना, स्वागत है आपको. मसाज भी देगी अलग अलग टाइप का. नहीं, वो नहीं चाहिए. हाँ. मेरे को ना अक्षय सर का एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया. क्या? अरे अरे अरे, रो मत, मर्द लगती तू. हंसी आ रही है मेरे को. अक्षय सर इतनी बार इधर शो पे आते हैं, कभी इन्होंने तेरे को मेरे को पिक्चर में बुलाया क्या? कभी बुलाएगा? कितनी गलत बात है ये. अरे वो तो यहाँ पे फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं ना वो तो. अच्छा हाँ, प्रमोशन रहते हैं ना. एक मिनट, मेरे को ना आप लोग से एक सवाल था. ये जो प्रमोशन रहते है, तो जैसे हवलदार रहते है, उसका प्रमोशन होता है तो वो इंस्पेक्टर बनता है. तो आप लोग का प्रमोशन होता है तो क्या बनता है? बताओ भाई क्या बनता है? स्टार से सुपरस्टार. बिल्कुल, हमारा जब प्रमोशन होता है. हाँ. उसके बाद हमें और फिल्में मिलती हैं. हाँ. फिर हम और बड़े होते फिर हैं. हमारा फोर्ब्स में नाम आता है. हाँ. तो नहीं, ये सब मेरे को गलत लगता है. फिल्म की प्रमोशन होती है तो उसके बाद फिल्म लगती है, उसका नहीं, क्या नहीं, बनता? मैं बताती हूँ क्या बनता है. आप लोग इधर प्रमोशन पे आते हैं ना, सोनी टीवी से इसका बहुत बड़ा चेक बनता है. ये बात तो सही. इसका बहुत बड़ा बंगला बनता है. लोखंड वाला में 9 माले पे बंगला बनाया है, बहुत बड़ा इसने. मालूम है? वाह, ऐसा सर. मैं गया हूँ, मैंने देखा. आप देखे ना? हाँ. वो लिफ्ट भी इसके कमरे में खुलता है ऐसा जाके उधर. और छत इतना बड़ा है इसका. हाँ. पूरा का पूरा छत तेरा है ना वो. हाँ. जो तुम लोग बाहर बैठ के सिटिंग करते हो. हाँ, किधर कितना बड़ा ग्राउंड, उधर क्रिकेट खेलते हैं उधर अपने घर में बैठ के. और इतना शाना है आपको मालूम है, खुद की सिक्योरिटी के लिए ऊपर इरफान खान और नीचे मिका को रखेला इसने. इरफान सर नीचे रहते, मिक्का ऊपर रहता. हाँ, मिक्का को तो ऊपर ही रखेगा ना, वो पंजाबी जो ठहरा. पंजाबी लोग को बहुत फेवर करते हैं ये. हर जगह पंजाबी पंजाबी. ये नॉन टैलेंटेड आदमी इसका ढाबा खोले ला मेरे सामने इधर. इसके सब दोस्त लोग इधर बैठे, गिटार वाला पंजाबी, ये पंजाबी. तो अक्षय सर भी तो पंजाबी है. हाँ, तो पंजाबी लोग बहुत अच्छे रहते हैं. मैं कब बोली? पंजाबी लोग दिल के बहुत अमीर रहते हैं. अर्चना जी आप भी पंजाबी है ना? हाँ, यही समझ ले. हाँ. हाँ, जरूरी नहीं है हर पंजाबी अमीर हो. ए, खबरदार अगर अर्चना जी को ऐसे बोला तो. तू तो मेरे को डांट मत, मेरे से ज्यादा तो तू बकवास करते अर्चना जी के बारे में. तू ज्यादा मत बोलना. मैंने क्या बोला? अर्चना जी को कम मत समझना. मालूम है मेहनत का खाती है वो, मेहनत का. भले वो मेहनत किसी और की हो लेकिन खाती है. खाती है मेहनत से. आता है कुल्हाड़ी. हाय कीर्ति कुल्हाड़ी जी, कैसे? I'm good. आप ना किसी पेड़ वीड़ के नजदीक मत जाया करो, कभी भी कट सकता है. मेरे को मालूम है, बहुत गंदा वाला पीजे था ना. मैंने आप पे 3-4 जोक बनाए थे, ये वाला मेरा बेस्ट था. तेरा ये बेस्ट था? हाँ. तो इससे बेस्ट होता तो तेरी जगह पे नहीं बैठी होती, यहाँ पर इंटरव्यू ले रही होती.
कीर्ति जी, कब दे रहे आप मेरे को कुल्हाड़ी? कब चाहिए आपको कुल्हाड़ी? उनका सरनेम है। तू ना सबसे पहले इंग्लिश सीख ले। वो मैडम है, उनका मैडम नेम होगा, सरनेम किधर से आएगा? उनका तो जेंडर मत बदल, हमारा जेंडर बदल के तो तूने हमारा सत्यानाश कर दिया यार, है कि नहीं? अच्छा सर, मेरा ना वो छावा के बारे में पूछ रही थी ना। मुकेश? हाँ मुकेश, मेरा छावा है सर नाला सोपारा में, उसको ना मार्स पे लेके जाओ ना। उसको क्यों जाना मार्स? उसका ना बदन में मांस नहीं है। नहीं सर सच में, उसका बदन में ऐसा तो कड़किया हो गया एकदम, ऐसा हड्डी हड्डी। कल तो ऐसा ना कुत्ते ने काटा ना उसको, कुत्ता अटक गया उसका हड्डी में, ऐसा मुंह ऐसा कुत्ता अटक गया ना सर, तो उसका पूंछ से खींचा मैंने कुत्ते को, तो उसका जबड़ा उधर ही रह गया, कुत्ता बाहर आ गया उधर। और मालूम है कुत्ते का कितना प्रॉब्लम हुआ सोनाक्षी? अभी वो भौंक ही नहीं सकता है कप्पू। क्यों? अरे पोपला हो गया ना, तो आवाज ही नहीं निकलती, वो भाप निकलती मुंह से, ऐसा करते रहते। तो कुत्ते का ना बहुत प्रॉब्लम हो गया है, उसको मार्स पे लेके जाओ ना सर। ए सपना, मार्स का मतलब ये मार्स नहीं होता, हाँ मंगल ग्रह बोलते हैं उसको। हाँ। वो यान में जाना पड़ता है। यान में क्या, वो बनियान में जाने को तैयार है, तू क्या बात कर रहे हो? हाँ मुकेश अक्षय सर ज्यादातर बनियान चड्डी में रहते हैं। हाँ। वो बोलता है बनियान चड्डी पहन के घूमने का, इससे कपड़ा खराब नहीं होता है। अच्छा। तू भी ट्राई कर, तू इधर बनियान चड्डी पहन के आया कर, बहुत अच्छा रहेगा। ये बात तूने अक्षय भाजी को क्यों नहीं बोली? मार खाने का मेरे को ये सब बोल के उनके। ऐसा सब बात करो ना, कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ पैकअप के बाद ना वैनिटी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी रखते है। हाँ। और बोलते आ जा तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है उनकी घर छोड़ के। अच्छी बात, गाड़ी के पीछे रस्सी बांध के ऐसा ऐसा बोल लेके जाते। तो अक्षय सर उसको मार्स पे लेके जाओ ना। देख मंगल ग्रह पे जाने के लिए इसरो में जाना पड़ता पहले। इसरो में तो 10 साल से है वो। कैसे? अरे जब वो छोटा था ना, स्टूडेंट था, तो उस बदबू बहुत मारता था। हाँ। तो बाकी लोग बोलते थे तू उस रो में नहीं इस रो में बैठ। तो इस रो में 10 साल बैठे एक ही क्लास में, कितनी बड़ी बात है, क्या बात करता है तो उसको कैसे नहीं जाने देंगे उधर। सर वी हैव, आप तो सोनाक्षी जी तो आती रहती, सर भी आते, आप लोग, वी हैव पार्लर हियर, तो आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, सो यू प्लीज आप आ सकते हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप का मसाज है आपकी फिल्म, कॉपी दैट मसाज है हम लोग के पास, कॉपी दैट आपका डायलॉग है ना। हाँ। वो मसाज है हम लोग के पास। उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को बुलाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर खुद को तेल लगाते हैं, और फिर खुद का मसाज करते हैं, और उसको बोलते हैं कॉपी दैट, तो वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा मसाज रहता है। देन वी हैव वेरी स्पेशल कीर्ति कुल्हाड़ी मसाज। हाँ। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, एक कुल्हाड़ वाला रहता है, कुल्हाड़ वाला, कुल्हाड़ वाला। हाँ। वो उसकी जो कुल्हाड़ी जो है पानी में गिर जाती है, तो फिर अचानक से देवता प्रकट होते हैं, फिर उसको सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, वो बोलता है ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, फिर देवता उसको देखते हैं, वो देवता को देखता है, देवता देखते हैं तो पक्की अच्छी बात कर रहा है। हाँ क्या तू, ये तो क्या लकड़ा रे की कहानी सुना रही है तू? हाँ तो मसाज बनी नहीं ना, तो कहानी सुनाऊंगी मैं, अभी इनके नाम पे क्या मसाज बनेगी। मेरा जाने का टाइम आ गया सर। बिल्कुल। मैं चलती है, मुझे ना आपका डायरेक्टर है ना, कौन सा, आर के बाल की, आर बाल, उसको आर के बाल की मसाज करने जाना है मेरे को। बाय। ऐसा मारेंगे तो नहीं? कितने एपिसोड में तू लड़कियां बन चुका? अभी तो 70 एपिसोड में। 70 एपिसोड हो गए? हाँ हो गए। लड़की के सारे गुण है तेरे अंदर? नहीं सिर्फ सीख गया होगा सारे गुण।
अब इधर 10 मिनट के लिए रहते सर, उसके बाद लेकिन आ तो गए होंगे। जैसे कि आप जानते कि 70 एपिसोड सपना ने कर लिए हैं एज अ गर्ल। अब ये देखना चाहूंगा, मैंने एक स्पेशल चीज लेके आया हूँ और मैं देखना चाहूंगा कि इसके अंदर वो गुण है कि नहीं। आज सपना जी हमें पूरियां बना के दिखाएंगे। अच्छा। जैसे हमारी जो फिल्म में है पूरियां बनी थी, तो मैं गैस लेके आया हूँ, हाँ पूरी का सारा सामान लेके आया हूँ और आप बेलन से एक पूरी बना के दिखाएंगे मुझे। सर अमरीश पूरी बोल दो, वो बन जाऊंगी पूरी मेरे से। लेके आओ भाई। इधर आओ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आटा है और ये है बेलन। सबसे पहले हम सपना जी को कहेंगे कि एक अच्छी सी गोल पूरी बेले पहले बेल के दिखाएं। ये क्या काम दे दिया सर मेरे को। सपना 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 कमाल, यू कैन डू इट। बेटे नक्शा नहीं बनाना है, नक्शा नहीं बनाना, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है। सर अभी तो ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी देर में बल्गेरिया देखिएगा। अरे क्या कर रहा है, गोल गोल बनाना, ये क्या बनाया देखो। अच्छा सर एक मिनट, कोशिश करती हूँ। सर थोड़ा सा भी ट्राई किया है। नहीं ये गोल नहीं, नॉट बैड यार, अप्रोक्सीमेटली बस चिपक जाएगा, आटा नहीं लगाया ना उसने। बताइए सर क्या आप में से कोई बता सकता है क्या ये गोल है या नहीं है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सोनाक्षी जी आप आइए ट्राई करिए। अरे एक दिन आपने ब्याह करना है, घर के किचन में काम करना है, आइए। आजकल बाहर से खाना मंगा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक पूरी तल के दीजिए। अरे मुझे नहीं आती। अरे बहुत इजी है, आप ट्राई तो करिए। तापसी मुझे पता था मेरी बारी भी आएगी अभी। कम कम दे कृतिका, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे ये। कृतिका टू मच आटा फॉर अ पूरी, कम डिसाइड दैट दैट आई डोंट थिंक। वाओ द एक्सपर्ट इज स्पीकिंग। इसका तो कहां है ये? या आई विल डू इट, बी केयरफुल ऑफ द। हां कुछ तो हो रहा है अच्छा इसमें। और आप लोग मार्क्स देंगे और उनको फोन मिलेगा। मैं फोन तो इस चीज में खुश हूँ, इतनी बड़ी हीरोइन हमारे शो में आकर पूरियां निकाल रही है। कुछ मिलेगा, हेलो कोई देख नहीं रहा, मैंने हाँ। कर दिया। अरे बाकी तेल गिरा दे, ये अच्छा है। तो सोनाक्षी का गुड, वेरी गुड। चलिए तापसी का, तापसी ने बहुत परफेक्ट बना लिया। तापसी का देखिए, और इस कमबख्त का देखिए। और ये तो पराठे के साइज की पूरियां बनने वाली हैं। मैं खुद गोल गोल हो रही हूँ ताकि ये पूरी गोल गोल हो जाए। नहीं अभी आई थिंक ये, आई थिंक तापसी का परफेक्ट आपका ये फूलेगी। मेरी माँ आज इतनी खुश होगी ना, इतनी खुश होगी। लाइफ में मैंने कभी ये नहीं किया है। मेरी माँ ये एपिसोड देख के बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी, रो देगी मुझे लगता है। लेट्स चेक। ओके इट्स गॉट टू मच आटा। वाओ सोनाक्षी ने इतना आटा लगा दिया ना पूरी के ऊपर कि वो उसका मेकअप उतर जाएगा, वो पूरी अंदर से फिर वैसे आटा निकलेगा। अच्छा आपने तो किचन में काम किया है ना, तो मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ। Nice. लेकिन अक्षय सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। ये तो मेरा मसाज वाला तेल है। बेटे अगर भगवान कसम, अगर ये पूरी आज तुझे मैंने नहीं खिलाई ना तो देखियो। तापसी की पूरी देखो, पूरी गोल। अरे वाह वाह, मैं घर में बनाती हूँ यार रोटियां। ओह माय गॉड, माय फर्स्ट पूरी।